आज हम जा रहे हैं मकाओ। हाँ जी, तो अब मैं आपको बताती हूँ इन डिटेल कि अगर आपको मकाओ आना है तो आप कैसे कैसे तरीकों से आ सकते हो। कितना ही ग्रैंड है, मैं शायद वो शब्दों में नहीं बता सकती। मजा ही आ गया अंदर जाके, मतलब यहाँ आके लग रहा है कि हांगकांग आना कम्प्लीटली वर्थ इट है। भाई सब कुछ ना मस्त चल रहा था, हम दोनों नाचते नाचते लल्ला मकाओ से वापस आ रहे थे, और तभी इमिग्रेशन के टाइम पर जब हम मकाओ से हांगकांग एंटर कर रहे थे, इमिग्रेशन ऑफिसर ने हमें पकड़ लिया। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, शायद हमसे मिस हो गई कहीं ना कहीं रिसर्च करते टाइम, आपके लिए वो मिस ना हो तो आप ये ध्यान से सुन लो। तो दिस इज जस्ट लाइक यू नो हेवन, इसलिए इसको बोलते हैं लास वेगास ऑफ एशिया। तो भाई फाइनली हम लोग चढ़ने वाले हैं हमारी मकाओ की बस में। ये आ गई है हमारी मकाओ की बस, और मैडम काउंटर करके हमें भेज रही है। और इसमें ना इमिग्रेशन भी हुआ था, तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको पासपोर्ट कैरी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मकाओ टर्मिनल से ही आप टिकट खरीद सकते हैं, जैसे हमने आपको दिखा दिया था सेल्फ सर्विस। और ये सुंदर सुंदर सी बसेस में हम चलेंगे अब मकाओ पहुँचने के लिए कौन से बस स्टेशन पे आना है या कौन से ट्रेन स्टेशन पे आना है, वो सारी जानकारी भी देंगे आपको, और वो भी देंगे गगन मैडम, क्योंकि रिसर्च सारी मैडम ने की है। बस एक मिनट बस में चढ़ते हैं, फिर आपको देते हैं सारी ताजी ताजी जानकारी। ये हमारी चमकीली मौड़ी, आज तो चमक रही है गजक। हाँ जी, तो अब मैं आपको बताती हूँ इन डिटेल कि अगर आपको मकाओ आना है तो आप कैसे कैसे तरीकों से आ सकते हो, प्लस आपकी कॉस्ट क्या लगेगी। तो अगर आप मकाओ डायरेक्ट फ्रॉम हांगकांग से ही, मतलब फ्रॉम एयरपोर्ट ही आना चाहते हो, तो वो भी ऑप्शन है। जैसे ही आप हांगकांग के एयरपोर्ट पे आओगे, वहाँ पर आपको ऊपर साइन बोर्ड में दिख जाएगा वे टुवर्ड्स फेरी, तो आप वहाँ से या तो फेरी ले सकते हो। सेकेंड इज कि हांगकांग के एयरपोर्ट से भी बहुत सारी बसेस चलती हैं जो आपको सीधा मकाओ ले आएगी। दूसरा ऑप्शन है जो हमने लिया था कि हम एक दिन के लिए हांगकांग में घूमें और फिर नेक्स्ट डे जो है डे टू, जैसे हमारा अभी डे टू है, हम लोग मकाओ के लिए निकले। तो अब हांगकांग सिटी से मकाओ के लिए आप कैसे जा सकते हैं, सो देर आर, जितना हमें अभी तक एक्सप्लोर हुआ है, तीन तरीके हैं, देर आर थ्री वेज। वन इज कि आप डायरेक्टली प्राइवेट बसेस चलती हैं, आप बस से आ सकते हो। सेकेंड इज फेरी से आ सकते हो। थर्ड इज पब्लिक बस से आ सकते हो। प्राइवेट बस का मैं बता देती हूँ, जैसे हम लोग रुके हैं शिमशा सुई करके जो एरिया, हम वहाँ रुके हैं जहाँ पर मेंशन स्ट्रीट करके एक मार्केट है, वहाँ से आपको कैनन स्ट्रीट के पास आपको एक मॉल दिख जाएगा जिसका नाम है हांगकांग चाइना सिटी मॉल करके है। वहाँ से चाइना के लिए, वहाँ से मकाओ के लिए बहुत सारी बसेस चलती हैं जो कि प्राइवेट बस होती हैं। तो वहाँ से जो मकाओ के लिए बस का जो फेयर है वो पड़ेगा आपको 180 to 190 हांगकांग डॉलर, जो कि सीधा फ्रॉम योर सिटी टू आपको ले जाएगी मकाओ। दूसरा तरीका है जी, आप फेरी से आना चाहते हो, तो फेरी से आने का क्या तरीका है, जहाँ पर भी आप रुके हो वहाँ से आपको आना है शिंगवान स्टेशन आना है, MTR तक आना है आपको। जैसे ही आप एग्जिट करोगे वहाँ से आपको बहुत सारे ऊपर साइन बोर्ड दिख जाएंगे टूवर्ड्स फेरी। तो जो फेरी की जो कॉस्ट पड़ती है, ये पड़ती है कुछ 165 से लेकर 180 हांगकांग डॉलर के बीच में। मैं वन साइड का ही फेयर बता रही हूँ आपको अभी, और पर पर्सन बता रही हूँ। तीसरा तरीका है जो हमने चूज करा है, विच इज द बजट फ्रेंडली तरीका, आप जहाँ पर भी रुके हैं वहाँ से आपको आना है HZMB पैसेंजर कॉरिडोर करके। वहां पर आने के अगेन देर आर टू वेज, वन इज कि आप लोकल बस कर सकते हो, दूसरा तरीका था आप MTR से भी आ सकते हो। तो जो नियरेस्ट स्टेशन जो है वो है सनी बे / डिज्नी रिजॉर्ट बे लाइन भी बोलते हैं इसको। वहां से आप जैसे ही एग्जिट करोगे सनी बे MTR से, वहां से आपको साइन बोर्ड फिर से दिख जाएगा टूवर्ड्स मकाओ फेरी। तो वहां से B5 करके बस चलती है जो आपको वो HZMB पोर्ट पैसेंजर पोर्ट तक आपको छोड़ देगी। वहां से मिलनी है आपको $65 की आपको बस मिलेगी, जहां जिस बस पे भी है, इसको गोल्डन बस भी बोला जाता है। आपको ये पहुंचा देगी मकाओ के पोर्ट तक पहुंचाएगी आपको, ठीक है, मकाओ सिटी में नहीं पहुंचाएगी, मकाओ पोर्ट तक पहुंचाएगी। मगर जैसे आप मकाओ पोर्ट पर पहुंचेंगे वहां से फिर से आपको मकाओ के लिए एक छोटी मोटी बस लेनी पड़ेगी, आई थिंक जिसका $4-5 का रेट होगा, जो आपको सिटी सेंटर में पहुंचा देगी। सो दिस इज द थर्ड वे, विच इज द चीपेस्ट वे आप आ सकते हैं। अभी जिस
जहाँ पर हूँ मैं, तो ये एक्चुअली वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है ये। तो इट इज 55 किलोमीटर लॉन्ग, जो कनेक्ट करता है हांगकांग को मकाओ से, ये कनेक्ट करता है। ये तो था कि आपको मकाओ पहुंचना कैसे है। जैसे ही मकाओ पहुंचेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी घूमना कहाँ कहाँ है। जैसे हमने अभी वन डे मकाओ ट्रिप प्लान करा है फ्रॉम हांगकांग, तो अगर आपको भी प्लान करना भी कर सकते हो, तो दो चीजों का ध्यान रखना, सिम के बारे में और करेंसी के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे मैंने जो सिम ली थी, मैंने ली थी सिर्फ हांगकांग की सिम, तो वो आपके मकाओ में सिम नहीं चलेगी। अगर आपको मकाओ के लिए एक दिन के लिए कुछ अलग सिम लेनी है तो आप ले लेना। जैसे फिलहाल तो हमारी सिम नहीं चलेगी, बट हम वहाँ पर जाकर देखते हैं कि कुछ वाईफाई हॉटस्पॉट्स वगैरह ऐसे कुछ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। दिस इज़ वन। एंड सेकेंड इज़ कि मकाओ की जो करेंसी है विच इज़ मैकनीज टका, और मगर मकाओ में जो हमारी हांगकांग डॉलर है वो भी इजीली एक्सेप्टेबल है। भाई अगर आपको कसिनो जाना है डायरेक्ट, तो कसिनो की शटल चलती है मकाओ से बाहर निकलते ही फ्री ऑफ कास्ट में। तो जी मकाओ पहुंच गए थे हम, सिर्फ आई थिंक आधा पौना घंटा ही लगा, और उसके बाद फिर से इमिग्रेशन होता है, आपका पासपोर्ट चेक होता है। सिर्फ उन्होंने पासपोर्ट चेक किया और एक स्लिप सी दे दी, जो मुझे हांगकांग के टाइम पे भी स्लिप मिली थी। और अब मैं मकाओ के लिए 1 साल तक वैलिड हूँ, मैं यहाँ पर रह सकती हूँ, तो मुझे 1 साल का मिला है। आई थिंक सबको 1 साल का मिलता होगा। तो जैसे ही आप एग्जिट करोगे, आपको ऐसे एक सिटी बस करके एक दिख जाएगा टर्मिनल, वहाँ से अब आपको कहाँ जाना है, मुझे जैसे जाना था मकाओ सेंट्रल, मतलब जहाँ पर मेरे को पोर्टुगीज कल्चर वगैरह जहाँ मिलता है। तो जो मेरा फर्स्ट स्टॉप जो होगा वो होगा सेंट पॉल्स र्यून्स करके एक जगह है, वहाँ जाना है। तो अभी मेरे को मिलनी है बस 101X, और यहाँ पर 6 हांगकांग डॉलर पर पर्सन लगते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हांगकांग डॉलर यहाँ पर वैलिड है, मगर आपके पास चेंज होनी चाहिए। अगर आपके पास चेंज नहीं है तो ये रिटर्न नहीं करेंगे चेंज। अब जैसे हम दो बंदों का क्या है, 12 है, तो मेरे पास भी 20 का सबसे मिनिमम नोट था। यहीं पर एक लोकलाइट थे, मैंने उनसे पूछा, तो थैंकफुली उनके पास 2 10-10 के थे, तो उन्होंने मुझे कलरफुल बटरफ्लाई जैसा नोट दे दिया। तो ये हो गए 10, ये हो गए 2, तो जी हमारे लगेंगे 12 हांगकांग डॉलर, और हम पहुंच जाएंगे सेंटर में। सेंटर में पहुंचते हैं, 2 जगह कवर करनी है सेंटर में, वहाँ कवर करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं हमें जो साउथ साइड ऑफ मकाओ है वहाँ कैसे जाना है। जैसे कसिनोज हैं, हम आपको कसिनो भी लेके जाने वाले हैं। मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कसिनो अगर आपको नहीं खेलना है आप, बट जा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, बट टुडे बीइंग सैटरडे आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि उन्होंने कहीं एंट्री टिकट तो नहीं रख दी है, तो देखेंगे एक्सप्लोर करेंगे। जी हम 101X में बैठ तो गए हैं, और ये देखो ये लड़के को इतनी धूप लग रही है ना कि वेल्ड हो गया चश्मा। हाँ तो मैं कह रही थी कि हम 101X में बैठ तो गए मगर कख नहीं समझ में आ रहा, हमें उतरना का है। गलती हमसे क्या होगी कि जहाँ हमें जाना है मैंने ना उसका स्क्रीनशॉट नहीं रखा, मैंने सिर्फ नाम है, जैसे सेंट र्यून्स जो भी था वो, जो जिसके भी र्यून्स है, सेंट पॉल र्यून है शायद। तो यहाँ पर इंग्लिश लोगों को आ रही है कम, हाथ नहीं रही है भाई, हाथ बहुत ज़्यादा टाइट है यहाँ पर ना लोगों का, तो बोल भी ये पोर्टुगीज मेरे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे सामने जस्ट एक दीदी बैठी, मैंने उनको बोला हेल्प, तो पहले तो दीदी ने मना कर दिया नहीं आता, ठीक है, फिर हम दोनों चुप हो गए। फिर दीदी पांच मिनट बाद दया आई दीदी को कि कहाँ बेचारे मर रहे हैं, हेल्प कर दो, ठीक है। दीदी ने अपना फोन निकाला, गूगल पर सर्च करके एक तो स्टॉप बताया भैया दीदी ने, कोई नाम नहीं, मुझे उसका अक्षर नहीं आता रहा कि वो नाम क्या था, एक तो यहाँ पर इतने कंफ्यूजन से नाम है ना। तो भैया हम उतर तो गए हैं जहाँ पे हमें उतरना था, और जो दीदी हमें सामने बैठी हुई हेल्प कर रही थी वो इसलिए हेल्प करी थी क्योंकि वो जापानीज थी, वो हांगकांग से नहीं थी, इसीलिए उसको अंग्रेजी भी थोड़ी बहुत आती थी। तो अभी हमने किसी लोकल से नाम समझ लिया, उसका नाम है ताई जन पा, जो भी हम सेंट पॉल्स रूम जा रहे हैं, और अब गलियों में घूमते फिरते हुए उसको ढूंढते हुए पहुंच जाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे, वो बहुत ही प्यारी जगह है, पर पहले पहुंच जाए। कुछ कहना चाहती हो? ताई जन पा। वो आ गया मेरा ताई जन पा, आ गया ताई जन पा। तो जी यही है वो ताई यू पा उर्फ सेंट पॉल्स रूइन, जो कि 300 से 400 साल पुराना है। ये पहले पूरा एक पूरी बिल्डिंग थी, मगर कुछ लाइटनिंग इफेक्ट कुछ हुआ और पीछे का जितना भी हिस्सा था वो जल गया, सिर्फ आगे आगे का फ्रेम रह गया है। तो ये वन ऑफ द कहते हैं ना मोस्ट हिस्टोरिक पॉइंट है, अगर आप मकाओ आ रहे हो और अगर आपको पोर्चुगीज कल्चर देखना है तो आप देख सकते हो। अब मैं पोर्चुगीज की बात करी रही हूँ तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। टिल 1999 पूरा मकाओ जो था वो पोर्चुगीज के पास ही था, वहीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी वगैरह थी। फिर 1999 के बाद ये लोग पोर्चुगीज का कल्चर हट गए, चाइना का कल्चर आ गया, चाइना का कल्चर आ गया, और मकाओ जो है वो एक अलग से कोई कंट्री नहीं है बेसिकली। मकाओ इज स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना,
ठीक है, तो जैसे वो हांगकांग है वैसे ही मकाओ है। तो बट आप पूरा यहाँ पर अगर मैं बिल्डिंग्स वगैरह भी देख रही हूँ तो पूरा पोर्चुगीज कल्चर है, लैंग्वेज है, कपड़े वैसे है, तो बड़ा हैपनिंग सा प्लेस है। मगर आप रश देख रहे हो कितना रश हो गया, क्योंकि 2:30 बज गए तो हाफ डे टाइप्स हो गया, तो इतना रश है। अगर आप शायद सुबह सुबह जल्दी आओगे तो आपको इतना रश ना मिले या कम मिले। तो ये थी जी हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ मकाओ। तो जी पते की बात तो ये है कि यहाँ पर एंट्री फ्री है, तो आप आओ यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लोर करो, बैठो और उधर देखो वो गार्डन वार्डन सा भी है, तो मस्ती वस्ती मारनी मारो। और वो पीछे आपको वो दिख रहा है वो ग्रैंड लिस्बन, वो पीछे बड़ी बड़ी यूनिक सी बिल्डिंग जो है वो बेसिकली एक वन ऑफ द कैसिनो है, अच्छा वाला कैसिनो है इस एरिया का, मतलब नॉर्थ ऑफ मकाओ का। मगर हम शाम में साउथ ऑफ मकाओ भी जाएंगे, यहाँ पर वो पेरिशियन और वेनिशियन ये सारी जो जितने भी कैसिनोज है वो है। तो जी जैसे ही आप सेंट पॉल रियून चर्च से आप जैसे ही नीचे उतरोगे, गली में जाओगे, आपको बहुत सारी सोविनियर और खाने पीने की शॉप्स मिलेंगी। खाना पीना हो, सोविनियर लेने हो, चॉकलेट टॉफी लेने हो, ले लेना। मैंने तो मेरा हमेशा कहा है कि मैं फ्रिज मैग्नेट लेती हूँ, मैंने बहुत क्यूट सा फ्रिज मैग्नेट लिया है इस शॉप से, जो कि मुझे पड़ा है 28 हांगकॉन्ग डॉलर में। जी बहुत सारी दिक्कत और तकलीफ के बाद, क्योंकि यहाँ पर ना लैंग्वेज का इतना बैरियर है कि बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है हमें। एक्चुअली यहाँ पर कभी किसी कंट्री में हुई नहीं है, तो चिटकू से मकाओ में हो रही है। तो हमारा जो सेकंड डेस्टिनेशन था वो था सिनाडो स्क्वायर, तो अभी ये आ गया सिनाडो स्क्वायर और हमें ये इसको ढूंढने ढूंढने में लग गया पूरा 50 मिनट लग गया। और ये जो हमारा जो सेंट रियून्स था उसके बिल्कुल ही बाजू में था, मतलब जड़ में ही था, मोटा से 500 मीटर की दूरी पे भी नहीं होगा। घूम घूम के यहाँ पर कोई बताने को राजी नहीं है। रीजन सारे टूरिस्ट हैं और जितने भी दुकान वाले हैं वो इतने बिजी अपने टूरिस्ट के साथ, तो बहुत डिफिकल्टी हो रही है। तो हमने अभी फिर लास्ट में क्या किया, एक जगह पे वाईफाई आ रहा था, फ्री वाईफाई, तो हमने ना फोटोग्राफ क्लिक कर लिया। फिर मैं फोटो बताती आ रही हूँ कि ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है। तो फाइनली हम लोग अपने सेकंड पॉइंट पे पहुंच गए हैं, तो विच इज सिनाडो स्क्वायर। तो ये ऐसी हैपनिंग सी मार्केट है, जैसे दिल्ली में है ना कनॉट प्लेस, तो वैसा है। अभी मैरी क्रिसमस के इन्होंने बोर्ड्स लगा रखे हैं, तो यहाँ पर 5-10 मिनट बैठेंगे क्योंकि गर्मी बहुत है। और उसके बाद हम लोग जाएंगे अपनी तीसरी डेस्टिनेशन में, जो कि था वो लिस्बन, देखा था ना हमने, हाँ वही। तो हम वहाँ जाएंगे, वहां पर मैंने ऐसे सुना है कि वहां पर ना सोने की ब्रिक्स है स्टेयर्स पे, तो कितनी सच्चाई है वो मुझे भी नहीं पता, वहां पर जाके चेकआउट करते हैं। तो जी अगर आपको पोर्टुगीज कल्चर इंजॉय करना है मकाओ का, तो आप ये वाली साइड आ सकते हैं, वही सेंट पॉल वाला रियून्स और क्या सिनाडो स्क्वायर में हूँ मैं अभी। और एक और भी है गियो लाइट हाउस करके था, आपको यहाँ पर नाम दिख जाएगा, मैम नाम भूल रही हूँ उसका, वहां तो हमने स्किप ही कर दिया, मैं लाइट हाउस देखने मेरा इंटरेस्ट नहीं है। अगर ये करना है तो आप इधर आना। अगर आपको मकाओ का वो नाइट लाइफ वाला कल्चर ही देखना है, जहाँ पर वो आपके कैसिनोज वेसिनोज है, तो मैं एडवाइस नहीं करूंगी कि आप यहाँ आओ, क्या यहाँ पर लैंग्वेज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर आपको स्किप करना तो कर सकते, मतलब मुझे मजा आया, बट अभी तक का जो मेरा हाफ डे है मकाओ का वो मुझे इतना भी फैसिनेटिंग नहीं लगा, मतलब क्योंकि मैंने ना अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रख ली थी कि मकाओ जा रही हूँ, ये होगा वो होगा, तो वाली फीलिंग अभी तक मेरी आई नहीं है। शायद जब मैं कैसिनो जाऊँ तो मैं बिल्कुल स्विच हो जाऊँ, मैं चेंज हो जाऊँ। तो ये तो था जी ये, ऊपर से ये बैग मेरा इतना मोटू मोटू इसलिए है क्योंकि हमने बहुत सारा यहाँ पर खाना रखा है, जैसे हमारा ये ना क्रैक जैक, क्योंकि यहाँ पर जो महंगाई है वो तो ना बहुत ज्यादा है, जो कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को वर्थ नहीं है यहाँ पर वो इतना खाने में स्पेंड करना। बोले तो कि 128 हांगकांग डॉलर या फिर 130 हांगकांग डॉलर का छोटा सा पफ मिल रहा है, तो इसलिए बेटर है कि हमने यहाँ पर वो होता ना गाठिया डाइट मिक्सचर क्रैक जैक मुनैको वो सब भर रखे हैं, तो हम धीरे 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 वो खाएंगे। और यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो सीधा कैसीनो ही है, अब हम सीधा कट टू कैसीनो, हो गया मेरा बहुत हो गया ये पोर्टुगीज कल्चर, हम जाएंगे ग्रेट लिस्बन कैसीनो। एक और चीज है जो हम नहीं कर रहे हैं, विच इज मकाओ टार। अगर आपको मकाओ टार देखना है तो आप देख सकते हो, उसमें भी ऊपर जाते हो कुछ टिकट्स होती हैं, ऊपर का वो व्यू ले सकते हो, बट हमने ऑलरेडी ना वो टर्की में कर रखा था गलाटा टावर लिंक आ रहा होगा, फिर हमने हांगकांग में भी किया, मलेशिया में भी किया था, मैं उसका नाम भूल गई हूँ, हाँ केल टावर, थैंक यू अरुण, तो वो केल टावर किया था, तो ऊपर नाम आ रहा था उसमें, क्या आपको पूरा सिटी का व्यू मिल जाता है। इफ यू वॉन्ट टू डू दैट आप वो कर लेना। और अभी तो हमारे चले और गाड़ी चल रही है लिस्बन कैसिनो। तो जी अब हम थोड़ा सा चलते चलते आगे है कैसिनो लिस्बुआ, इतना विशाल है ये, आई थिंक वहां से स्टार्ट हो रहा है वो पाइनएप्पल की बिल्डिंग से और इसका अंत नहीं अनंत सा है, वहां तक भी एक्सटेंडेड है ये। तो ये यहीं से इतना बड़ा, अरुण इतना बड़ा कैसिनो हुआ क्या,
आई थिंक इसमें होटल रूम्स भी होंगे, आई एम नॉट 100% श्योर, अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो अंदर जो है फोन अलाउड नहीं होगा, रिकॉर्डिंग वगैरह हम नहीं कर सकते ऑब्वियसली, ठीक है, बट हम अंदर जाते हैं, अपना एक्सपीरियंस देखते हैं, ज्यादा देर नहीं बैठना है क्योंकि हमें साउथ की तरफ जाना है, वो पेरिशियन और वेनिशियन, तो हम वहां पर खेलेंगे। इस बार हमने सोचा है कि कुछ अमाउंट जो है वो हम खेलेंगे, नुकसान होगा तो ठीक है बट इट्स ओके। तो यहाँ पर थोड़ा सा आधे घंटे का एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर हम निकलते हैं साउथ ऑफ मकाओ। तो जो सेकंड हाफ था मकाओ का, वो था जो हमें एक्सप्लोर करना था, वो था कैसिनोज ऑफ मकाओ, जिसमें से हमने पहले कैसिनो में मत्था टेक लिया है जो कि था लिस्बुआ। भाई साहब मैं क्या बताऊं, जैसे ही अंदर घुसे भैया ने बोला पहले पासपोर्ट दिखाओ, हमने पासपोर्ट दिखाया, फिर उन्होंने हमें अंदर जाने दिया, और वो मल्टी लेवल कैसिनो था, मतलब नीचे ऊपर 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 ऐसा कैसिनो था वो, और भीड़ ही भीड़, मतलब आपको बैठने की तो जगह थी नहीं, सिर्फ खड़े होकर भी ऐसे उचक के देख रहे हो। तो मल्टीपल गेम्स थी अंदर जो कि तो मेरे तो नहीं समझ में आ रही थी, और मुझे पता है उनको भी नहीं समझ में आ रही होंगी, तो वो अलग लेवल की थी। और उसमें ना मिनिमम बेट भी था कि किसी में मिनिमम बेट था 100 हांगकांग डॉलर, किसी में था 1000 हांगकांग डॉलर, जैसे मिनिमम और मैक्सिमम बेट थी उसमें। और गार्ड जगह जगह, हर गली कूचे में गार्ड थे कि आपको फोन खींचना, सॉरी फोन यूज करना इज नॉट अलाउड, फोटो खींचना नॉट अलाउड, वीडियो बनाना नॉट अलाउड। एक तो ये तो एक्सपीरियंस था। उसके बाद अगर मैं खाने पीने की बात करूँ तो वहाँ पर रेस्टोरेंट भी था, कुछ शॉपिंग के लिए आइटम भी थी कि मतलब आपने सामान खरीदा, पैसे लिए, पैसे कमाए, और अब वहीं पर ही लगे हाथ कुछ गोल्ड खरीद लो, वॉच खरीद लो, जो बड़ी बड़ी महंगी महंगी आइटम्स होती ना वो भी थी। और जब भी आप कैसीनो जाओगे ना, मुझे भी एक्चुअली आज ही पता चला है कि जब भी कैसीनो जाओगे तो पीने का जो होता है ना वो आपको फ्री में होता है, अनलिमिटेड, मतलब आप पानी ले सकते हो, कोक ले सकते हो, चाइनीज टी थी, और एक था गरम गरम हॉट लेमन हनी लेमन, ये था हॉट हनी लेमन था, अनलिमिटेड है, जितना मर्जी पियो। एक मैंने अंकल को देखा, अंकल ने यहाँ से चाय उठाई और अपने उसमें से बैग में से निकाला कुछ एक बन सा था, बन खाया, चाय पी और आराम से बैठ गए सोफे के ऊपर। मतलब आपको देखना है आप देख भी सकते हो, आराम से जो करना है आप करो। तो ये हमारा एक्सपीरियंस था। वहां से फिर एक्चुअली ऐसे आपको पासेस मिल जाएंगे। मकाओ के कैसीनो का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आपको कैसीनो टू कैसीनो की शटल मिलती है फ्री में, क्योंकि जैसे अगर मैं चलेगी लिस्बुआ कैसीनो, अब जो वेनिशियन है या पेरिशियन है या कोई भी जितने भी मल्टीपल, और क्योंकि मकाओ इज फुल ऑफ कैसीनोज, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि भाई आओ अब हमारे कैसीनो में भी आओ, तो उसके लिए ना वो लोग अपनी शटल फ्री में चलाते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ से जाना था पेरिशियन, तो एक हमें नेपाली भैया मिल गया, उन्होंने बोला कि स्टार देख रहे हो आप, तो ये स्टार स्टार वर्ल्ड कैसीनो के नीचे आ जाना, वहां पर आपको गैलेक्सी की बस मिल जाएगी, शटल मिल जाएगी बेसिकली, तो शटल में बैठ जाना और पेरिशियम उतर जाना, फ्री में चलती है क्योंकि वही कैसीनो टू कैसीनो है। तो हम यहाँ पर तो आ गए और ये गैलेक्सी दिख रहे हैं बस में, तो ये गैलेक्सी की है, तो हमें इसमें चढ़ना है और हम पहुंच जाएंगे पेरिशियन। तो अगर देखते अगर ये निकल गई तो हम स्टार वर्ल्ड कैसीनो आएंगे, अगर अगर ये बच गई, चलो चलो चलो, तो फिर हम इसमें चल जाएंगे, ठीक है चलो चलो। तो जी ये वाला जो कैसीनो था ये बेटर था उस कैसीनो के हिसाब से, इन द सेंस यहाँ पर एक तो भीड़ कम थी, ठीक है, दूसरा यहाँ पर पीने के बहुत ऑप्शन थे, यहाँ पर बोबो टी थी और क्या कहते हैं मिल्क था, खाने के भी ऑप्शन थे, बोले तो मफिन्स था, पफ था, और एक और कुछ अटपटा सा था वो पेस्ट्री टाइप, बट बहुत टेस्टी था। तो यहाँ पर अच्छा लगा ऊपर जाकर। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम गैलेक्सी वाली बस पकड़ते हैं और हम आपको मिलेंगे पेरिस में, सॉरी मकाओ के पेरिस। कितना ही ग्रैंड है, मैं शायद वो शब्दों में नहीं बता सकती। ये सारी चीजें मैंने मूवीज में देखी है, हॉलीवुड मूवीज में देखी है, बॉलीवुड मूवीज में देखी है, मगर लाइफ में मतलब फर्स्ट टाइम मैं ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ। दिस इज बियॉन्ड, मतलब जो मेरा फर्स्ट हाफ ऑफ मकाओ था ना वो पोर्टुगीज वाला, दैट वॉज नॉट दैट गुड, बट अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ से जाना ही नहीं है। पैसा हो आपके पास तो उड़ा दो यहाँ पर साला, और ठीक है मस्ती मारो यहाँ पर, तो दिस इज जस्ट लाइक यू नो हेवन, इसलिए इसको बोलते हैं लास वेगास ऑफ एशिया। इट्स लाइक कि ना एक ड्रीम कम ट्रू वाला दिस मकाओ सिटी इज एक्चुअली। तो मेरे यहाँ पर है ये गैलेक्सी, इतना विशाल है ना, ये वहां से स्टार्ट हो रहा है वो, और ये अनंत यहाँ हो रहा है, ये सेंटा क्लॉज के पास, ये चश्मे वाले सेंटा क्लॉज के पास, इतना बड़ा लग रहा है, इतने बड़े बड़े पिलर, और वो देख रहे हो आप स्क्रीन एलईडी देख रहे हो यार कैसे उड़ रही है ऊपर। सो वो ही ना क्रिसमस वाइब्स, इतनी बड़ी बड़ी बसों से लोग उतर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं,
खेल रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पैसा गवा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। मैंने कितने लोग देखे अभी पिछले हम जहाँ कहाँ गए थे अभी स्टार वर्ल्ड में, कि लोग पैसा गवा रहे हैं, ठीक है, बट उनके चेहरे पे ना एक भी क्या कहते हैं शिकन नहीं थी, मतलब एक भी सैडनेस नहीं थी कि मैंने इतना पैसा गवा दिया। तो इट्स लाइक कि हार और, तो वहां से ना मेरे को एक चीज समझ में आई कि इट्स लाइक कि हार और जीत चलती रहती है लाइफ में, बट लाइफ रुकनी नहीं चाहिए। जैसे अभी मेरी तबीयत मुझे और अरुण को पता है कि कितनी खराब है, मेरे को फीवर फील हो रहा है, बट इतनी सारी हैपनिंग चीजें देख के ना वो मन नहीं कर रहा कि मैं वापस जाऊं हांगकांग, वापस चले जाऊं। ऐसा लग रहा है कि अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। मेरे दिमाग में सिर्फ तीन ये थे कैसिनोस थे एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि था लिस्बोआ, पेरिशियन और वेनिशियन। ये अरुण उधर वो दिख रहा होगा आपको, रेड कलर वाला जो है वो पेरिशियन है, उसके साथ वाला जो है वेनिशियन है। तो वेनिशियन का क्या है कि उन्होंने वेनिस टाइप बना रखा है, पेरिशियन का क्या उन्होंने पेरिस टाइप बना रखा है, आईफिल टावर वगैरह वहां पर भी जाएंगे। मेरे दिमाग में सिर्फ ये तीन थे, और सच्ची बताऊं जब मैंने कितनी रिसर्च करी मुझे कहीं पर भी ना वो ट्रू मकाओ वाली फीलिंग नहीं आई ना। मैंने कितने ब्लॉग्स पढ़े, मैंने कितनी मतलब बुक्स पढ़ी मैंने, बट वही होता ना कि जब आप रियल फील करते हो ना उसको, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है। प्लीज कम टू मकाओ, मैं तो यही बोलूंगी कि आपका मन हो ऐसा कुछ सिटी लाइफ ऐसा कुछ एक्सप्लोर करने का, तो आप इधर जरूर आना, अच्छी जगह है। वो अरुणी की क्रिस्टल लॉ भी कितनी सुंदर लग रही है, चल मैं जा रहा हूँ, आ जाओ बाय। भाई साहब अभी अभी कैसीनो से बाहर निकले हम, ये लग रहा है रियल कैसीनो, जो हमने टीवी में मूवी में देखा है ना कि चाइनीज जैसे लोग, हांगकांग जैसे लोग बैठे हुए हैं, हजार हजार डॉलर ऐसे उड़ा रहे हैं। भाई ऐसे मिनिमम बेट 1000 हांगकांग डॉलर, मतलब 10,000 रुपए की बेट है। फिर हमारा भी दिल कर गया थोड़ा सा खेलने का, हम खेले 20 हांगकांग डॉलर से और 20 ही कमा लिए, तो 100% प्रॉफिट कमा के मजा ही आ गया अंदर जाके। मतलब यहाँ आके लग रहा है कि हांगकांग आना कम्प्लीटली वर्थ इट है, टोटली डिफरेंट वर्ल्ड है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, नई चीज थी जो हमने एक्सप्लोर करी, एक नई दुनिया एक्सप्लोर करी। पीने के तो बहुत सारे ऑप्शन थे, हॉट चॉकलेट था, फ्रूट जूसेस थे, मल्टीपल टाइप ऑफ फ्रूट टी थी, बहुत सारे गेम्स थे अलग अलग वैरायटी के। तो जो हम पहले कैसीनो गए थे लिस्बोआ, वो तो कुछ भी नहीं है भाई, ये तो अलग दुनिया है अपने आप में, बहुत ही बड़ा और बहुत ही जबरदस्त, और ये इसका एम्बियंस देख लो आप, ऐसा लग रहा है किसी महल में आ गए हैं, मजा आ गया। अब हम कौन सा एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, बच्चे की तबीयत खराब है, स्कीमो बना घूम रहा है हमारा बच्चा, कहाँ जा रहे हैं हम? पेरिशियन। चलो गैलेक्सी पेरिशियन वेनिशियम और एक डायमंड करके भी है शायद, ये सारे ना आसपास है, मगर हम अभी सिर्फ तीन जा रहे हैं, वन इज गैलेक्सी, फिर हम जाएंगे पेरिशियन, फिर हम जाएंगे वेनिशियम। वहाँ मतलब हर क्या है कैसीनो का ना एक अपनी वाइब है, मतलब मजेदार है, सब अलग है, मतलब आई कांट कंपेयर यू नो फर्स्ट कैसीनो विद सेकंड विद थर्ड। तो ये हमारा तीसरा है ना, ये हमारा तीसरा थर्ड है, तीसरा है, पर बहुत बढ़िया मजा आया क्योंकि हम मजा इसलिए हम $20 जीत के जा रहे हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू 200 रुपए पर जीत के जा रहे हैं, गगन का कहना है। मैंने बोला वही वही रुक जाते हैं बस, मैक्सिमम हम $34 जीत गए थे, पर हमने $14 फूंक दिए। चलो अब दूसरे में जाते हैं, तो मेरा फ्रिज मैग्नेट 28 का आया था ना अरुण, हाँ, तो मेरा 20 का आ गया, अभी $8 हमें और कमाने हैं अगर फ्रिज मैग्नेट फ्री में लेना अगर, है तो। अगर वो दोनों नहीं पसंद आते ना तो फिर हम फिर से इधर आ जाएंगे। चलो ठीक, यहाँ पर तो दूध वूध भी था भाई, गर्म दूध, गर्म दूध की बहुत जरूरत थी मुझे। हाँ चलो अब घूमने चलते हैं बाहर। ये हम आ गए हैं वेनिजियन, भाई घुसते ही ऐसी फील आ रही है जबरदस्ती है, देखो आप हांगकांग मकाओ मस्त है एकदम। भाई एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है, वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो जो आपके साथ बच्चे अगर होंगे जो 21 साल से कम होंगे उनकी कैसीनो में एंट्री नहीं है, तो आप उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करके आना कि अगर आप सिंगल पेरेंट बच्चे के साथ आ रहे हो तो बच्चे को दिक्कत हो जाएगी, और अगर दो आ रहे हो तो वन बाय वन अंदर घूम के आना और देख के आना। तो मुझे लगा बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, शेयर कर देनी चाहिए। फॉर अ रीजन इसका नाम वेनिशिया है, देखो भाई इन्होंने प्रॉपर वेनिस बना रखा है, ये आसमान देखो आप ऊपर, फिर आप ये देखो आसपास की शॉप्स, बड़ा ही जबरदस्त लग रहा है, और ये पूरी वेनिस की रिवर जो बीच में जा रही है, और उधर वो देखो बोट भी लगा रखी है ताकि आप उस बोट में जाके एंजॉय कर सको, बड़ा ही जबरदस्त है यार। इधर ही LED लगा रखी है स्ट्रीट्स पे, प्रॉपर फील आ रही है कि आप वेनिस में आ गए, और ये ऊपर नेचुरल स्काई वाली फील दे रखी है, अमेजिंग। इसने ना मुझे किंगडम ऑफ ड्रीम की याद दिला दी जो हमारे गुड़गांव में है,
जहाँ पर ऐसे उन्होंने स्काई बना रखा था वो भी अपने आप में आइकॉनिक था, पर अनफॉर्चुनेटली बंद हो गया। लेकिन ये जगह अमेजिंग है, अगर आपको कैसीनो नहीं भी जाना हो तो ये एक्सपीरियंस करने के लिए आप मकाओ में वेनिस देखने के लिए तो बिल्कुल आ सकते हो, यहाँ पे मजेदार है। तो वेनिशियन के बाद हम आ गए हैं पेरिजियन। भाई ये बिल्कुल ऐसे बना रखा है जैसे पेरिस का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आपको कैसीनो ना भी जाना हो, आपको ये मॉल्स ही देखने के लिए अगर एक बार अगर आप यहाँ आ जाओगे ना मकाओ, मजा आएगा। बहुत ही प्यारे बना रखे हैं यार, मतलब वाइब्स, इंटीरियर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मस्त मस्त लोग एकदम सजे धजे, बहुत बढ़िया जगह है। सिर्फ नाम पेरिजियन नहीं है, लंदन ने तो आईफिल टावर खड़ा कर रखा है पूरा का पूरा, इसीलिए कह रहे हैं मकाओ मस्त है। हाँ जी, तो पेरिजिया कैसीनो के बाद हम लोगों ने सोचा कि अब बहुत रात हो गई है, अब लगभग बज चुके हैं 11 और हम लोग वापस जा रहे हैं हांगकांग। तो हमारा जो दिन था वो बहुत ज्यादा मजेदार था। हमारा इनिशियल प्लान था कि हम रात भर रुकेंगे यहीं पे, लेकिन हमारी मोड़ी की तबीयत थोड़ी डाउन हो गई है, तो हम लोग अब वापस जा रहे हैं हांगकांग, बस में बैठ गए। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, मकाओ जबरदस्त था एकदम, कैसीनो वाला पोर्शन तो बहुत ही अमेजिंग था। और अभी हम लोग पहुंचेंगे वापसी हांगकांग और आपको बताएंगे कि हम अपने होटल तक कैसे पहुंचे। मजे की बात यह है कि हमारा आज का होटल बुक नहीं है, तो हम देखते हैं कि हमें होटल अपने वाले में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, लगेज तो हम वहीं छोड़ के आए हैं। तो ये एक यूनिक चीज़ हमने देखी कि ऊपर की डेक में कितनी सीट्स खाली हैं वो यहाँ डिजिटल डिस्प्ले में नजर आ रहा है। जैसे ही मैं ऊपर गया 43 से घट के हो जाएगी 42। तो मस्त टेक्नोलॉजी, सीट भी काउंट हो रही है कितनी खाली है, इसे कहते हैं डेवलप्ड कंट्री। भाई सब कुछ ना मस्त चल रहा था, हम दोनों नाचते नाचते लल्ला मकाओ से वापस आ रहे थे, और तभी इमिग्रेशन के टाइम पर जब हम मकाओ से हांगकांग एंटर कर रहे थे, इमिग्रेशन ऑफिसर ने हमें पकड़ लिया और हमें लाइन में से हटा के अंदर रूम में ले गया। हमें नहीं समझ में आया भाई क्या हुआ है, तो पहले हमसे क्वेश्चन पूछे, डॉक्यूमेंट लिए, कहाँ जा रहे हो, टिकट दिखाओ, ये दिखाओ। फिर बाद में समझ में आया कि जो प्रिंट होता है ना, जो हम लेके आए थे इंडिया से हांगकांग आते टाइम, वो प्रिंट डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए था, वो हमारे पास नहीं था, हमारे पास सॉफ्ट कॉपी थी। तो सॉफ्ट कॉपी उसने एंटरटेन नहीं की, इमिग्रेशन ऑफिसर को बुला के हमें भेज दिया। 2 मिनट के लिए तो भाई हालत खराब हो गई, ऐसा लगा कि पता नहीं क्या ही करेंगे, अभी तो पूरी ट्रिप पड़ी है, इसके बाद जापान जाना है, जापान के बाद बतेरी कंट्री घूमनी है, 4 कंट्री कंप्लीट करनी है, क्या हो गया। पर फिर जब थोड़ा सा देर हो गई, हमें सेटलमेंट हुआ, समझ में आया कि शायद हमारे पास वो प्रिंट डॉक्यूमेंट नहीं है, इसीलिए वो पूरा इमिग्रेशन प्रोसेस उसने शुरू से किया, डॉक्यूमेंट जनरेट किया, हमें इमिग्रेशन स्लिप भरवाई, जो हमने आपको फर्स्ट व्लॉग में बताई थी कि जब हम आ रहे थे जब इंडिया से हांगकांग, तो हमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन डाली थी, वो सारा काम उसने कराया हमसे। हांगकांग कब छोड़ रहे हैं, वहाँ की टिकट मांगी, हांगकांग में कहाँ रुके हैं वो बुकिंग मांगी। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, शायद हमसे मिस हो गई कहीं ना कहीं रिसर्च करते टाइम, आपके लिए वो मिस ना हो तो आप ये ध्यान से सुन लो कि जब आप मकाओ जाओगे तो अपने सारे डॉक्यूमेंट ऐसे ही ट्रीट करना कि आप कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री जा रहे हो, वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर आना, नहीं तो भाई आपकी हालत खराब हो सकती है हमारी तरह। तो अब हम पहुंच गए हैं बस पकड़ने एयरपोर्ट, और हम शिमशाशु की बस आ गई और हम जा रहे हैं, इधर से चढ़ना है बेटा, इधर लाइन लगी हुई है। तो भाई रात के बज रहे हैं 2:15 और ये देखो ये लौंडा लौंडिया घूम रहे हैं, लौंडा लौंडिया तो फिर भी ठीक है, पर यहाँ पर लड़कियां भी देखी अकेली। हाँ, और जब हम आ रहे थे ना तो जो हमारी बस ड्राइवर थी वो भी दीदी थी जो एयरपोर्ट से लेके आई हमें, तो माई लेडीज बस चला रही है रात के दिन, रात दहाड़े, तो सेफ्टी वाइज तो काफी सेफ है। तो हम अपने कॉम्प्लेक्स में आ गए हैं, मेंशन में दुकानें मैक्सिमम बंद है, कुछ खुली भी हुई है, तो रात में भी अगर आपको सामान चाहिए तो यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। अब हमें जाके फाइट करनी है अपने हॉस्टल के लिए, चलो देखते हैं भाई स्टे मिलता है नहीं मिलता है। अब लिफ्ट में घुसने की बारी आ गई है। तो कल रात हमें रूम मिल गया था, 3:15 जाके मिला था, जिसकी कॉस्ट थी $350। उन्होंने भी पूरा रात का फायदा उठाया कि लेट नाइट में तो अच्छे से चार्ज लगाएं। सैटरडे संडे जनरली हांगकांग फुल होता है, तो आपको वॉक इन रूम मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप प्री प्लान करके आना। हम रात को इतने थक गए थे फिर कि बस रूम मिला और हम सो गए, तो हम व्लॉग भी एंड नहीं कर पाए, तो हम अब इसको एंड करने वाले हैं। तो मकाओ जो हमारा ओवरऑल था बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, कैसीनोज वगैरह आप जाओ आराम से घूमो फिरो, अगर आपको रात वहाँ रुकना आप कैसीनो में भी रुक सकते हो, लोग बैठ के टक 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 पूरा पैसा उड़ाते रहते हैं, बनाते रहते हैं, कुछ तो करते रहते हैं। तो हांगकांग के बाद जो हमारा मकाओ का जो डे ट्रिप था वो बहुत ही बढ़िया था, बहुत है लर्निंग थी, ऊपर से इमिग्रेशन वाला जो
और डंडा पड़ गया, वो अलग से पड़ गया, तो लर्निंग थी बहुत अच्छी। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप फेरी से भी जा सकते हो टू अवॉइड ऑल ऑफ दिस प्रोसेस इमिग्रेशन वाला। तो फेरी में मैंने सुना है ऐसे कि शायद कोई इमिग्रेशन का चैलेंजेस नहीं आते हैं, बट डू कैरी ऑल योर डॉक्यूमेंट। तो इसी के साथ, इन्हीं लर्निंग्स के साथ हम करते हैं इस ब्लॉग का अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज वेजी वंडर साइनिंग ऑफ फ्रॉम मकाओ ब्लॉग, और अब आपको मिलेंगे हांगकॉन्ग के अगले ब्लॉग के साथ, जहां आपको दिखाएंगे हांगकॉन्ग आइलैंड, यानी कि मजेदार हांगकॉन्ग। चलिए, ऑन दिस नोट, दिस इज वेजी वंडर साइनिंग ऑफ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।